हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताऊंगा सुजुकी एक्सेस 125 और बर्गमैन 125 में जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का वेरिएंट आया है उसे आपको लेना चाहिए या फिर इसका नॉर्मल वेरिएंट जो है उसे आपको लेना चाहिए। इन दोनों के लिए मुझे कमेंट आया था कि सर कौन सा अच्छा है, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप नॉर्मल लेते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्लूटूथ में जाने की आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लूटूथ और नॉर्मल में क्या अंतर है, क्या दिक्कत आता है ब्लूटूथ में। मैंने खुद ब्लूटूथ ले रखा है, मुझे उस समय किसी ने बताया नहीं था, ऐसा कोई वीडियो नहीं था मेरे पास जिससे मैं ये डिफेंड कर पाता, और उस समय मुझे नेविगेशन के बारे में भी किसी ने नहीं बताया था और कॉलिंग वॉलिंग के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में। तो मैंने शुरुआत में ही इसे लॉन्च होते समय ही ले लिया था। बट मैं आपको बताता हूँ कि ब्लूटूथ से में कुछ खास ज़्यादा ऐसा फीचर नहीं दिया गया है, नॉर्मल है, नेविगेशन भी नॉर्मल है, नेविगेशन जैसा गूगल वाला नेविगेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये सिंपल नेविगेशन है, आपको लेफ़्ट एंड राइट का सिग्नल दिखाता है बस, ऐसा कुछ नहीं है कि मैप है और गूगल की तरह अगर आप रास्ता आगे निकल गए तो फिर आपको वो कहेगा कि लेफ़्ट आ जाइए या राइट से मुड़ के फिर वापस आइए, ऐसा कुछ नहीं बताता है। अगर आप इसके अनुसार आगे नहीं बढ़े या इसने कहा टर्न लेने के लिए तो आपने टर्न नहीं लिया तो ये फिर एरर हो जाता है, नेटवर्क इशू दिखा के बंद हो जाता है। तो नेविगेशन इसका बिल्कुल भी सही नहीं है। बात करते हैं कॉलिंग का, तो सही है, कॉलिंग और एसएमएस आ जाती है, बट कॉलिंग और एसएमएस के लिए हम 5 से 6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा नहीं फंसा सकते इसमें। फिर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले है, कुछ खास नहीं है इसकी। मेरे गाड़ी में तो बिल्कुल भी मीटर वीटर सही काम नहीं करता है, ऑयलिंग का जो मीटर होता है ये सही जगह नहीं दिखाता है। नॉर्मल आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका कलरफुल स्क्रीन है, काफ़ी सही है। बाकी अगर आप ब्लूटूथ में ही लेना चाह रहे हैं तो कॉलिंग के लिए आप बस ले सकते हैं, नेविगेशन कुछ खास नहीं है। एक इसका और भी फीचर है, लास्ट पार्किंग लोकेशन, वो भी काम नहीं करता सही से। आपने भी टीवी में देखा होगा कि सुजुकी एक्सेस 125 ब्लूटूथ का कुछ खास प्रचार नहीं करता है कि ये है वो है, नेविगेशन सिर्फ बोलता है लेकिन दिखाता नहीं है क्योंकि कुछ खास है नहीं। तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, बाकी आपका मन 5-6 हज़ार रुपये इसमें एक्स्ट्रा लग ही जाना है आपको, तो 5-6 हज़ार में तो काफ़ी अच्छा स्मार्ट वॉच भी आ जाता है अगर आप स्मार्ट वॉच में जा सकते हैं कॉलिंग के लिए। नेविगेशन के लिए हाँ 8-9 हज़ार तक का स्मार्ट वॉच में जाना पड़ेगा, बट 5-6 हज़ार में तो बहुत अच्छा स्मार्ट वॉच भी आ जाएगा अगर आप अगर देखें इस तरह से कॉलिंग के लिए। तो बाकी ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी के लिए बात की जाए तो गाड़ी अगर आप स्पीड में चला रहे हैं तो कनेक्टिविटी भी टूट जाती है हर समय, आपको स्टार्ट करते ही गाड़ी को फिर इसका एप्लीकेशन में जाइए और कनेक्ट कीजिए, यार प्रॉब्लम तो है। अब उसके बाद फिर नेविगेशन सेट कीजिए, उसका सर्चिंग में भी ऐसा नहीं है कि हर एक लोकेशन आ जाता है गूगल की तरह, नहीं है ऐसा नहीं है। एक बार आप इस चीज़ को देख लेना, लेते समय आप खुद एक दो बार ट्राई कर लेना। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मुझे, मैंने जब बुकिंग किया था उसके 7 दिन के बाद आया था क्योंकि मैंने जस्ट स्टार्टअप में ही मुझे किसी भी तरह का कोई वीडियो या फिर चेक करने के लिए या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं बुकिंग किया था, मुझे 7 दिन के बाद बाइक मिली थी, तो ये बात है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार देख लेना, अगर आपको ज़्यादा यूज नहीं है फ़ोन कॉल का या फिर आप घर में ले रहे किसी बुजुर्ग के लिए तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यार, ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। ब्लैक एंड वाइट तो उसका स्क्रीन है, स्क्रीन भी कलरफुल होता तो थोड़ा अच्छा दिखता, ब्लैक एंड वाइट आप देख लो स्क्रीन में। नेविगेशन भी कोई मैप नहीं बनता है, बस लेफ्ट राइट मुड़ी है, वो भी सिग्नल गया तो ख़त्म। नॉर्मल 5 से 6 हज़ार रुपये आप अपना बचा सकते हैं इसमें, और बाकी यार माइलेज वाइलेज का भी तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया है, माइलेज वाइलेज ठीक है 45 के आसपास है, वो भी आप 40-50 के स्पीड में चला रहे हैं तो ज़्यादा स्पीड चलाते हैं तो वो माइलेज भी 40 से नीचे आ जाएगा। और बाकी यार आपको कोई और भी किसी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करना,
मैं तो यही बोलूँगा यार, आप ब्लूटूथ का कोई ख़ास इसमें नहीं है फंक्शन, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। खुद प्रचार भी इन्होंने नहीं करते, आप देखे होंगे यार टेलीविज़न में सिर्फ एक्सेस 125 ब्लूटूथ में है, इसके बाद कभी भी कोई नेविगेशन का ऐसा कोई प्रचार नहीं किया है, फ़ोन कॉलिंग ऐसा कुछ नहीं दिखाया। इन्हें भी पता है यार कुछ ख़ास नहीं है, इसलिए इन्होंने बाकी भाई आप लोग की पसंद जो आप लोग को अच्छा लगे वो लेना, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।